है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। एक बार जाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और इस प्रकार ज्यादा करेंगे तो आप ही बोलो, हम सुन लेते। सुन, आपके भीतरी उछाल बाहर आ रहे हैं, उसको संयत बनाओ और सुनो। आपने देखा होगा घर में या और अन्यत्र, घी रखा था भुगोने में, उसके ऊपर से दूध डाला 2-3 किलो, तो वह घी नीचे का ऊपर आया, उस पर दूध ने हंगामा किया। नहीं समझे? उसमें कहा कि हमारे भीतर से आकर के तब हमारे ऊपर भी ऊपर ही आप अपना शासन चलाते हो, हम इसको नहीं होने देंगे। और इस प्रकार बोल करके वो पूछना चाहता है, इसका उत्तर दो जल्दी जल्दी। आप हमें दबाना चाहते हो? हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसको तो उसके ऊपर उन्होंने दूध डाला तो दूध को ही ऊपर रहना चाहिए था, और ये डाला ही नहीं और ऊपर आ गया वो और बैठ गया। हमें दबाना चाहते हो? तो धीरे से उत्तर दिया, भैया हम आपको क्यों दबाएं? हम आपको क्यों दबाएं? आप हमें दबाना चाहो तो दबाओ। आप सुन रहे हैं? आप हमें दबाना चाहो दबाओ, अपना आसन बना लो और उसके ऊपर बैठ जाओ आप। दूसरी बात यह है, मैं ऊपर तो आकर के बैठ गया हूं, लेकिन मेरे पास भार है क्या? नहीं, ये तक आप नहीं देख पा रहे होंगे। मैं आपको बचाना दबाना तो दूर, किंतु मेरा वजन क्या है यह आपको अभी मालूम नहीं। मैं भारी तो हूं, क्योंकि लोग मुझे सेवन करते हैं तो पुष्ट हो जाते हैं, भारी भरकम बन जाते हैं। नहीं बनते? सही बताओ ना, बचे ना। तो अब ये बताओ, जो भार रहित हो करके भी दूसरे को भारी बना देता है, शक्ति प्रदान करता है उनको, और आप ये 2-3 किलो हो करके भी कहाँ शक्ति पैदा कर रहे हैं? इसीलिए दूध कहता, दूध से भी घी जो है भारी नहीं होकर के भी वह गौरव प्राप्त करा देता है। इस रहस्य को आप समझो, किसी को हम दबा नहीं रहे हैं, किंतु हमारी प्रकृति हमारे स्वभाव को आपको देखना है। हम
सबकी नासिकाओं को भी क्या कर रहे हैं बताओ, तृप्त करा रहे हैं अपनी सुगंधि से। हाँ, कहीं भी वह रखो उस घी को, बंद करके भी रखो तो भी बाहर उसकी गंध आ ही जाती है। और आप लोग इतने तीन तीन किलो के हो करके भी नहीं समझे, फिर क्या हो रहा, न गंध है न और कोई विशेषता है। बात तो ठीक है, लेकिन हमें तो आपने मिटा दिया, क्योंकि दूध रहेगा तो घी नहीं रहेगा, और घी रहेगा तो दूध नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी दूध में भी घी रहता है और बाद में वह ऊपर भी घी रहता है और उसको नीचे रहना पड़ता है। ये साधना का एक फल है। जब दूध तपा दिया जाता है तब घी निकलता है, नहीं तो उसी दूध में तृप्ति का अनुभव कर लो। हाँ, ये बात अलग है, दूध कुशलता पूर्वक लोकप्रियता हासिल की है, सब लोग उसको चाहते हैं, छोटा बच्चा भी दूध चाहिए, जवान भी दूध चाहिए, पहलवान भी कहता दूध चाहिए, नहीं समझे, और वृद्ध भी कहता भले ही पानी मिला दो दूध चाहिए, नहीं। हाँ, किंतु जो गुण घृत में है वह और किसी में नहीं, क्योंकि घृत घी कहता है मैं सबको प्रकाश देता हूँ। देखो, यहाँ पर भगवान की पूजा होती है तो दीपक दूध का नहीं, काहे के जला रहे बताओ, घी का। इसलिए पूज की पूजा दूध की अपेक्षा घी से हुआ करती है, जिससे वह प्रकाश प्रदान कर देता है। और आओ आप उसको जा कर के देखो, उस लोटे में या भुगोने में घी रखा, घी भरा है, तरल हो, उसमें यूं झुक करके देखोगे तो आपका दर्शन स्वयं का भी वह आपको करा देगा। करा देगा कि नहीं, कभी देखा है कि नहीं आप लोगों ने, हैं? हाँ, यदि वह घी जम गया तो उससे वह नहीं दिखेगा। इसलिए ध्यान रखो, अपने यहाँ भी ऐसा ही है, समोसरण में बैठे हैं, लाखों में करोड़ों में है मान लो महाराज, किंतु पूर्व कोटि आयु वाले दादाजी उन्हीं के वो भी बैठे हैं और नाती भी आकर के वहीं पर बैठा, और लोग पूछते हैं अरे ये तो दादाजी तो ठीक था, लेकिन नाते तो ये 7-8 साल का है, ये क्यों बैठा। सुनो, इसलिए बैठा मुनियों की सभा में, उसको भी रिद्धि प्राप्त है, समझे। समोसरण में ये विशेषता है, पूर्व कोटि वाला पीछे रह गया, उनके जो पिताजी थे वो भी पूर्व कोटि आयु वाले थे, लेकिन अभी वह श्रावक बन करके ही बैठे हैं। दादाजी बैठे तो हैं लेकिन उनके पास रिद्धि नहीं है, और नाती क्या कहता है पोता, वो कहता है कि रिद्धि है, और
उठ करके वह अपने आप ही आकाश मार्ग से चला जाता है समोसरण की वंदना करके। सारे के सारे लोग देखते रह गए, ये किसका फल है बताओ? ये उम्र का फल नहीं है, किंतु यह एक प्रकार से उसकी आंतरिक साधना का फल है। आप लोग जी तो रहे हो, जीवन जी तो रहे हैं, किंतु उस जीवन में कुछ ऐसी साधना भी करो जिसके द्वारा दोबारा जीवन धारण करना न पड़े। वह क्या जीवन है जिसके पीछे मृत्यु जुड़ी हुई है? मृत्यु के सामने सब लोग कपने लग जाते हैं, उसकी आकांक्षा कोई नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे इस रहस्य को समझते हैं, वे अपने जीवन को जीते हुए ऐसी साधना में उतारते हैं जिसके द्वारा दोबारा जन्म लेना समाप्त हो जाता है। अपने यहाँ दो प्रकार की मुक्ति मोक्ष का है, एक जीवन मुक्ति और एक कर्म मुक्ति। कर्मों की मुक्ति बाद में होती है और जन्म से मुक्ति पहले होती है। अब जन्म धारण नहीं करना है, किंतु केवल ज्ञान होने के उपरांत भी साधना और शेष रहती है, उस साधना में भी उनको सफल होना है और वह चार अघातिया कर्मों का नाश करके मुक्त हो जाते हैं। उसको वास्तविक मुक्ति बोलते हैं, उससे पहले जो जीवन मुक्ति थी उसको हम वास्तविक नहीं है, क्योंकि उसके बाद में भी अपना साधना शेष रहती है। आप लोग इन रहस्यों को सुन करके समझ करके केवल दूध में ही मगन मत रहो, किंतु कोई व्यक्ति के पास मिल करके भैया इसका दूसरा भी और कोई उपाय है? हाँ है, एक व्यक्ति तो बोरी में पैसा भर करके ले आता है, और एक व्यक्ति ऊपर की जेब में ले आता, उससे भी कई गुना इस जेब में है। खींचे कह रहे हो महाराज, उसे बोरी भर करके ले आया, उठाओ उसको बोरी भर करके उठा। ये इसमें हीरे के नग हैं तीन चार, और वह बाजार को ही हिला देती, और वो कीमती वाला इसमें रहता है। हम ऐसी साधना करें अब बोरी उठाना न भूले। अब बोरी उठाए, बोरी में मान लो रोकड़ भरा, क्या मनता चला? चिल्लर चिल्लर पार्टी रोगड़ को उसके उसी को बोलते हैं। हाँ, तो अब उसको लेकर के क्या कर रहा? एक हमाल को बुलाओ और उसको उठाओ। उठा भी ले तो सिर पर रख नहीं सकते, बहुत भार है। लेकिन ये जो है ऊपर के जेब में रखी थोड़ी सी पुड़िया में है, और वह बाजार को भी ला देता है, और जीवन को वह बहुत एक स्तर दे देता है। हमें ऐसी साधना करना है जो सब लोग देखते रह जाए। भगवान को भी कौन कर सकते हैं, किंतु आठ वर्ष अंतर्मुहूर्त के उस मनोज महाराज को देख करके यदि उसको
रिद्धियां प्राप्त हो तो फिर कहना ही क्या। देखते देखते आसमान में लीन हो जाते हैं। ऐसी साधना कैसी हुई है? ये भीतरी साधना है, बाहर से नहीं। इस प्रकार अपने आप को अधर में रखते हुए और वहाँ पर इतनी तेजी के साथ चला जाता है, सेकंड नहीं लगता, वह यहाँ से समोसरण में पहुँच जाता है, समोसरण में अन्यत्र और पहुँच जाता है। यह सारी साधना का एकमात्र आंतरिक साधना का पद है, इसलिए आप लोगों को कम समय में बहुत बड़ा काम करना है। उससे आपको शक्ति का अनुमान नहीं, साक्षात्कार होगा उस शक्ति से, ऐसी आत्मा के साथ शक्ति है। किंतु कषाय यदि करते हैं तो हम उस साधना से वंचित हो जाते हैं और बाहरी संसार की ही वृद्धि हम अपने भावों के द्वारा कर लेते हैं। इसलिए आप लोग दूध और घी के संवाद को भूलना नहीं है, नहीं समझे, और किसी के सामने जाकर के अपना बड़प्पन का प्रदर्शन नहीं करा। अहिंसा परमो धर्म। समस्त आचार्य संघ की